हमारे बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नवासी आसपा जरदारी का ये प्रोग्राम केक सेरेमनी का रखा गया है 26 सालगिरह के मौके पर। मैं अपने यूथ को अप्रिशिएट करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं बिलावल भाई का और सलाल भाई, रजा भाई, ये पूरी टीम है। जिस तरीके से इस इलाके में काफ़ी ज़माने से कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जेनी विंग पीपल्स यूथ ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैं तमाम ये क्रेडिट आप तमाम बुजुर्ग लोगों को देना चाहता हूँ, यूसुफ भाई को, क्योंकि और हमारे सईद बाटा साहब जो बिलावल के वालिद हैं। मैं समझता हूँ हमारे जितने भी पार्टी के सीनियर लोग जब जेनी विंग पीपल्स यूथ के लोगों को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो इंशाल्लाह इससे अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ पीपल्स यूथ और यूथ कौम की रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी हमेशा सही काम करे तो पूरे जिस्म के लिए साबित कदम होता है। और पीपल्स यूथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जेनी विंग है, और पीपल्स यूथ को जितना मजबूत करोगे तो इंशाल्लाह इससे अच्छा रिजल्ट देंगे। और इंशाल्लाह जैसे रशीद भाई ने कहा, इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में इस यूथ के प्लेटफॉर्म से दोस्तों की मेहनत और लगन को देख के इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, और मैं समझता हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ में कलीम भाई की क्यादत में इंशाल्लाह हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो को बलदियाती इलेक्शन में तोहफा देंगे इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये यूथ के प्लेटफॉर्म से, इन्हीं लोगों के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि हमारे कायद बिलावल भुट्टो को यूथ हैं, यूथ हमारी बहनें आसपा भी बख्तावर भी हमारी बहन अकरबा बेटी भी है, ये खुद यूथ हैं। इंशाल्लाह यूथ को साथ देके चलेंगे, और यूथ की ताकत इंशाल्लाह, यूथ वो चीज़ है जैसे मसनू वज़ीर आज़म ने कहा, यूथ मेरे पास है। मैं उनको बताना चाहता हूँ यूथ